सुशील मोदी पर इस वक्त की बड़ी खबर, 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, सुशील मोदी ये बात कह रहे हैं। सुशील मोदी ने अपनी बीमारी का खुलासा किया है, अब लगा बताने का समय आ गया। सुशील मोदी ये कह रहे हैं, ट्वीट करके जानकारी दी, लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपनी अनअवेबिलिटी बता रहे हैं सुशील मोदी। पीएम को सब कुछ बता दिया गया है, देश बिहार और पार्टी का सदा आभार और समर्पित। तो क्या सुशील मोदी अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं क्या? पिछले 6 महीने से कैंसर से जूझ रहे हैं सुशील मोदी, उन्होंने खुद इस बात को कहा और ये कह रहे हैं कि मैं अब पार्टी के लिए नहीं कर पाऊंगा अगले लोकसभा चुनाव में। तो क्या ये ऑफिशियल रिटायरमेंट की बात सुशील मोदी कह रहे हैं? ये पहले जरा ट्वीट पढ़ लीजिए, आप बहुत सारी चीजें इससे समझ जाएंगे। सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की, मैं शब्दशः आपको बता देता हूं क्या कहा उन्होंने। वो लिख रहे हैं, पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया, लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ बता दिया है, देश बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है, पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बिहार में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, और सुशील मोदी की तरफ से ये कहना उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका है, बड़ा धक्का है। अब मैं आ रही है सुशील मोदी पर इस वक्त की बड़ी खबर, 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, सुशील मोदी ये बात कह रहे हैं। सुशील मोदी ने अपनी बीमारी का खुलासा किया है, अब लगा बताने का समय आ गया। सुशील मोदी ये कह रहे हैं, ट्वीट करके जानकारी दी, लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपनी अनअवेबिलिटी बता रहे हैं सुशील मोदी। पीएम को सब कुछ बता दिया गया है, देश बिहार और पार्टी का सदा आभार और समर्पित। तो क्या सुशील मोदी अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं क्या? पिछले 6 महीने से कैंसर से जूझ रहे हैं सुशील मोदी, उन्होंने खुद इस बात को कहा और ये कह रहे हैं कि मैं अब पार्टी के लिए नहीं कर पाऊंगा अगले लोकसभा चुनाव में। तो क्या ये ऑफिशियल रिटायरमेंट की बात सुशील मोदी कह रहे हैं? ये पहले जरा ट्वीट पढ़ लीजिए, आप बहुत सारी चीजें इससे समझ जाएंगे। सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की, मैं शब्दशः आपको बता देता हूं क्या कहा उन्होंने। वो लिख रहे हैं, पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया, लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ बता दिया है, देश बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है, पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बिहार में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, और सुशील मोदी की तरफ से ये कहना उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका है, बड़ा धक्का है।